दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि उस रूट में डायरेक्ट या नॉन स्टॉप फ्लाइट महंगी मिलती हो। लेकिन दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट में हम कनेक्टिंग फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट या तो मिलती नहीं या फिर काफ़ी महंगी होती है। लेकिन दोस्तों कनेक्टिंग फ्लाइट लेते समय हमें बहुत सारी सावधानियों का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर हम लापरवाही करेंगे तो हमें कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो सकती है और हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ट्रैवल विद दाड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हमेशा आपके लिए इस तरह से ट्रैवल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूं, तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कनेक्टिंग फ्लाइट लेते समय हमें कुछ कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होता है, खासकर दोनों फ्लाइट के बीच की जो गैप है, जो समय है वो कितना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात है कि एयरलाइन कंपनी आपको 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक के गैप वाली कनेक्टिंग फ्लाइट भी सेल कर सकती हैं। तो अगर आप उससे लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि आधे घंटे का समय, मान लें दो फ्लाइट के बीच में सिर्फ आधे घंटे का समय है, और आपको प्लेन से निकलने में, लगेज ट्रांसफ़र करने में, सिक्योरिटी चेक इन करने में, या फिर अगर वो अगली फ्लाइट जो है दूसरे टर्मिनल में तो वहाँ तक जाने में, या फिर आपके साथ कोई बुजुर्ग है जो चलने फिरने में जिन्हें परेशानी है, या फिर कोई बच्चा है, लगेज भारी है, तो आपको अगली फ्लाइट पकड़ने में काफ़ी डिले का सामना करना पड़ सकता है, और अगली फ्लाइट तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है कि इधर इतना समय आपको लग गया, समय काफ़ी बर्बाद हो गया, तो अगली फ्लाइट आपकी मिस हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। जैसे कि मान लिया आप कोलकाता से दुबई जा रहे हैं, तो कोलकाता से दुबई आपको डायरेक्ट फ्लाइट भी काफ़ी ऑप्शन है, और या फिर दिल्ली होते हुए आप जा सकते हैं। तो कोलकाता से पहली फ्लाइट दिल्ली जाएगी और दिल्ली के बाद दिल्ली से दुबई जाएगी, तो यहाँ पर दिल्ली बीच के इंटरमीडिएट एयरपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मान लिया कि दोनों फ्लाइट्स के बीच की गैप काफ़ी कम है, तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन आपके पास कम से कम 2-3 घंटे का समय दोनों फ्लाइट के बीच में अगर है तो कोई हड़बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर दो फ्लाइट के बीच की गैप थोड़ी ज़्यादा हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कम से कम अगर आपके पास समय है तो कम से कम 3 या 4 घंटे तक का गैप अगर आप रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी सेफ होगा, किस तरह कोई हड़बड़ी नहीं होगी, कोई रिस्क नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी आपको कुछ कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, और टिकट बुकिंग करते समय आपको ध्यान देना चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात है कि आपको सेम PNR की टिकट लेने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप ट्रैवल पोर्टल पर दो डेस्टिनेशन के बीच सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे कनेक्टिंग फ्लाइट दिखती होगी, लेकिन अगर आप बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो दोनों टिकट एक साथ बुक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर सेम एयरलाइन की टिकट है तो आपको सेम PNR आपको मिलता है, और सेम PNR मिलने से सबसे बड़ी सुविधा आपको ये होती है कि आप पहली एयरपोर्ट पे जब जाते हैं तो वहीं पर आपको जो PNR है, यानी कि दोनों फ्लाइट की बोर्डिंग पास जो एक साथ मिल जाती है। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि सेम PNR का टिकट लेने पर आपको बोर्डिंग पास जो है पहली एयरपोर्ट पे ही मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया कोलकाता से दुबई अगर आप जा रहे हैं और आपके दो फ्लाइट आपको पकड़नी है, एक कोलकाता से दिल्ली वाली, उसके बाद दिल्ली से दुबई वाली, तो यहाँ पर आपको कोलकाता एयरपोर्ट पे ही आपको दोनों बोर्डिंग पास आपको मिल जाता है, और बाद में आपको दिल्ली में ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। सेम PNR के टिकट में एक और फायदा ये होता है कि आपको लगेज ट्रांसफ़र का भी टेंशन नहीं होता, क्योंकि लगेज ट्रांसफ़र एयरलाइन वाला ही कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है। सेम PNR के टिकट लेने का एक और फायदा ये है कि अगर एयरलाइन के डिले की वजह से अगर आपकी अगली फ्लाइट मिस होती है तो एयरलाइन वाले उसके लिए आपकी व्यवस्था कर देंगे, या फिर आपको कंपनसेशन देंगे, या फिर आपको किसी दूसरी फ्लाइट में भेजेंगे, तो ये उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आपने अलग अलग एयरलाइन के टिकट बुक कर ली है तो इसमें आप काफ़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, खासकर अगर आपके पास समय काफ़ी कम है और दोनों फ्लाइट के बीच का जो गैप है कम से कम 3 या 4 घंटे का नहीं है, तो आपको काफ़ी हड़बड़ी हो जाएगी, और अगर आप थोड़ा सा भी डिले कर देंगे तो आपकी अगली फ्लाइट मिस हो सकती है। उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं होती है, और अगली फ्लाइट मिस होने पर वे कुछ नहीं करेंगे। तो अगर आप अलग अलग एयरलाइन के कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं तो कोशिश करें कि दोनों के बीच जो है समय है कम से कम 3 से 4 घंटे का समय हो, ताकि अगर पहली फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो जाए तो आपको अगली फ्लाइट मिस ना करना पड़े। तो दोस्तों कनेक्टिंग फ्लाइट लेते समय कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने से बचने के लिए सबसे पहला उपाय यह है कि आप हैंड लगेज का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप चेक इन बैगेज अगर लेते हैं तो आपको क्लेम करने जाना होगा, वहाँ पर कम से कम आपको 1-2 घंटे का समय एक्स्ट्रा लग सकता है। तो अगर आपके पास सिर्फ हैंड लगेज है तो ये आपको करना नहीं पड़ेगा, और आप काफ़ी समय बचा सकते हैं। तो कनेक्टिंग फ्लाइट के बीच अगर गैप काफ़ी कम है तो ये आपके लिए काफ़ी सहूलियत वाली बात हो जाएगी। दूसरी बात है कि प्लेन में जब आप सीट सिलेक्शन करते हैं, फ्लाइट में सीट सिलेक्शन करते हैं, तो कोशिश करें कि फ्रंट गेट जो है उसके आगे वाली सीट लेने का, यानी फ्रंट सीट लेने का, ताकि आपको प्लेन से तुरंत आप निकल सकें, क्योंकि सबसे पीछे वाली सीट लेंगे तो कम से कम 10-15 मिनट आपको एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो बात मैं कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि कनेक्टिंग फ्लाइट में जो अगली फ्लाइट है वो लास्ट दिन के आखिरी वाली फ्लाइट ना लें, क्योंकि अगर आप आखिरी वाली फ्लाइट लेते हैं और उसे अगर मिस करते हैं तो अगर एयरलाइन कंपनी आपको अगर कंपनसेशन करना चाहेंगे भी तो आपको 1 दिन का वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अगली फ्लाइट जो होगी वो अगले दिन ही आपको मिल पाएगी, उस दिन नहीं मिल पाएगी। तो कोशिश करें कनेक्टिंग फ्लाइट आप लास्ट वाली ना लें। और सबसे अंत में जो उपाय कहूँगा कि
कनेक्टिंग फ्लाइट में बहुत सारे झंझट अगर आपको लग रहे तो नॉन स्टॉप या डायरेक्ट फ्लाइट का ही चुनाव करें, भले आपको थोड़े से अधिक पैसे खर्चा करना पड़े। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं नई ट्रैवल रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, गुड बाय।